हम कंपेरिजन करने वाले इस बाइक के साथ MT-15 जो 155 सीसी में आती है, और उसके एक्सट्रोम प्राइस की बात करें तो 178,000 के आसपास चला जाता है, और इसके एक्सट्रोम प्राइस की बात करें तो 151,000। हेलो राइडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द मोटो एक्सपीरियंस। आज मैं आपके लिए लाया है बजाज के पल्सर N250। ये देख ले, इतना ज़बरदस्त ये फीचर के साथ बाइक आ रहा है, और ये 2024 में फुली अपडेट होकर आया हुआ, और सारा टॉपिक पर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो आप कलर देख रहे हैं ब्रुकलिन ब्लैक कलर, और कलर ऑप्शन की बात करें इसमें आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा कलर की बात करें तो इसमें आपको रेड का फ्रेम मिल जाता है, और तीसरा की बात करें तो इसमें आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये जो बाइक आप देख रहे हैं 2024 में बहुत सारा अपडेट हुआ, उस सारा टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कलर आपको हम दिखाएँ ग्राफिक के साथ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं N250 लिखा गया, जितना ज़बरदस्त कूल आपको देखने को मिल जाता है। ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक में ग्लोसी ब्लैक है, और यहाँ पे रेड का क्रोम में रेड में फ्रेम में दिया गया है। उसके अलावा ये जो भी आप देख रहे हैं डिजाइन कितना ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, सारा ये भी यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। और ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं यहाँ पर ग्रे और रेड का कितना कूल देखने को आपको मिल जा रहा है, ज़बरदस्त है। उसके अलावा बात करते हैं गाड़ी का हम पार्ट में, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक है, और ये जो कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ग्लोसी ब्लैक है। उसके अलावा ये बात करें N250 जो जैसे लिखा गया है, एक अलग ही पहचान इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे N आपको रेड में और 250 व्हाइट में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इस बाइक में कंपैरिजन का। अगर आज हम कंपैरिजन करने वाले इस बाइक के साथ MT-15 जो 155 सीसी में आती है, और उसके एक्सट्रोम प्राइस की बात करें तो 178,000 के आसपास चला जाता है, और इसके एक्सट्रोम प्राइस की बात करें तो 151,000। सोचिए, मतलब 155 सीसी में हम उसको ओवर प्राइस भी बोल सकते हैं, उसमें हम कंपैरिजन करने वाले वो बेहतर आपके लिए कि ये बेहतर है, वो सारा चीज़ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक हम तरफ बढ़े जैसे, तो आप देख लिए, और अब इसमें अपडेट की बात करते हैं। जैसे कि आप तो सबसे पहले आपको ग्राफिक दिखा दिया, दूसरा अपडेट की तरफ आप हम आपको दिखाते हैं इसका सस्पेंशन। आप इसका सस्पेंशन देख सकते हैं, USD फॉर्क सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। पहले इसमें आपको टेलीस्कोपिक मिलता था, आपकी अब आपकी USD फॉर्क मिल जाता है। उसके अलावा इसमें और सारा चीज़ जैसे अपडेट की बात करते हैं, इसका व्हील फ्रंट और रियर दोनों का जो चक्का लगाया गया है 10-10 mm बढ़ा दिया गया है, उस सारे पर हम बात करने वाले हैं। चलिए इस गाड़ी का अगर हम फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट में आपको क्या देखने को मिलता है, चलिए इस बाइक अगर हम की आपको दिखाते हैं तो की देख ले कैसा आपको देखने को मिलता है। की कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है वेब डिज़ाइन में। उसके बाद हम की इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं फ्रंट से लाइट कौन सा ऑन होता है। जब की इंस्टॉल करते हैं तो फ्रंट से इसका जो यहाँ पे LED लाइट सेटअप दिया गया है, ये जो आपको देखने को मिल जाता है, ये सब DRL है। उसके अलावा यहाँ आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, हम इसको ऑन करके आपको दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसा इसका विजुअल रहने वाला है। उसके अलावा इस गाड़ी का अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें तो यहाँ पे पूरा ग्लोसी ब्लैक का सेटअप दिया गया है, और यहाँ पे रेड का ग्राफिक कर दिया गया है उसमें। उसके अलावा इसका मैं इंडिकेटर आपको दिखाते हैं, इंडिकेटर तो देख ले कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको हजार्ड देखने को नहीं मिलता है। और इस गाड़ी का अगर व्हील कवर की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा ग्लोसी ब्लैक है, और यहाँ के रियर साइड में आपको देखेंगे यहाँ पे तो आपको मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है। टायर की बात करें, इसमें टायर का भी साइज आपको अपडेट होकर आया हुआ है। पहले इसमें आपको 100 mm का टायर मिलता था, अभी इसमें 110 mm का टायर सेक्शन मिल जाता है। और टायर की बात करें तो 110/70 का सेक्शन मिल जाता है। पूरा आपको टायर यहाँ पर देख रहे हैं वाइड में आपको देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा ग्रिप रहने वाला है इस गाड़ी में। और MRF कंपनी के इसमें टायर मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर के साथ आ रहा है। और इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, और सस्पेंशन देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वाइड USD फॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और चैनल की बात करते हैं, ड्यूअल चैनल ABS के साथ 300 mm मिल जा रहा है, ग्रीमियो का क्लैपर मिल जाता है। बजाज का अधिकतर बाइक में आपको ग्रीमियो का ही क्लैपर मिलता है। और बात करते हैं जैसे MT-15 का कंपेरिजन कर रहे थे, उसका डिस्क पैनल आप देखिएगा तो 282 mm का मिलता है। चलिए उसका टायर भी देखिएगा तो फ्रंट से आपको 100 का सेक्शन मिलता है, बट इसका 110 है, तो उससे ज़्यादा वाइड टायर और ब्रेक उससे अच्छा खासा इसमें दिया गया है। चलिए इसका इंजन की तरफ बात करते हैं। इसका इंजन को हम आपको बात करते हैं, तो इंजन देख ले कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो प्लग देखने को मिलता है, एक इस साइड है एक उस साइड है। उसके अलावा ग्राफिक देख ही रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और यहाँ पे हॉर्न देख ले, यहाँ पे हॉर्न कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें इस गाड़ी का, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, MT-15 में आपको 170 मिल जाता है। और इंजन की बात करें इसमें क्या क्या दिया जाता है, जैसे सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वेल्वल इसमें मिलता है, और FI इंजन हो जाता है इसका। BSP की बात करें तो 24 का BSP मिल जाता है, उस पर RPM की बात करें तो 8750 RPM जनरेट करता है। टॉर्क की बात करें तो 21.1 Nm का टॉर्क मिलता है, उस पर RPM की बात करें तो 6500 RPM जनरेट करके देता है। अच्छा खासा बाइक का स्पीड रहने वाला है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 150 इसका टॉप स्पीड आता है, काफ़ी बेहतरीन बाइक हो गया, परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो गया। उसके अलावा बात करते हैं इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल, जैसे यहाँ पर रियर ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है, ज़बरदस्त है। ड्यूअल चैनल ABS का पहचान है, बजने लगता है। और यहाँ पे आप देखें तो राइडर के लिए फुट रेस्ट, ब्रेक वाल का बात करें तो रियर ब्रेक वाले हो जाता है।
पहले इसका एग्जॉस्ट आप देख ले कितना ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे N2050 भी मेंशन किया गया। और इसका टायर देख लें, वाह वाह क्या टायर दिया गया, देख रहे कितना वाइड टायर दिया गया है। और टायर सेक्शन का बात करें तो 140 का इसका टायर सेक्शन मिल जाता है। और इसका साइज बताएं तो यहाँ पे 70 भी मेंशन किया गया, 17 इंच के अलाव व्हील्स पूरा टायर आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। MRF कंपनी का टायर हो गया। और इस पर देख सकते हैं इसका जैसे अलाव व्हील है, यहाँ पे ग्राफिक देखते हैं, यहाँ पे रेड का किया गया है, कुछ पार्ट यहाँ पे वाइट का दिया गया है। और टायर सॉरी डिस्क पैनल का साइज़ की बात करें तो 230 mm का डिस्क पैनल मिल जाता है, ग्रीमियो का कलपर मिल जाता है, और MT15 में आपको 220 मिल जाता है। और ये सारा फेंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रियल प्रोफाइल के जैसे लाइट का बात करें, हम आपको ऑन करके दिखा देते हैं। इसका इंडिकेटर देख लो, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, LED इंडिकेटर। टेल लाइट की बात करें तो भी आपको LED में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लग जाएगा। उसके अलावा गाड़ी का हम लेफ्ट प्रोफाइल से आपको दिखाते हैं, लेफ्ट प्रोफाइल में कैसे आपको देखने को मिलता है। साइड से बताएं तो देख सकते हैं, यहाँ पे साड़ी गार्ड भी बोल सकते हैं, साड़ी गार्ड है, आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है। जैसे आपके घर पे लेडीज हैं उनको बैठा कर चलाना चाहते हैं पिलियन या जो पिलियन, तो वहाँ पे भी आपको सेफ रखेगा लेडीज़ के लिए। यहाँ पे पिलियन के लिए फुटरेस्ट, और जो गैप देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर गैप दिया गया है, क्योंकि जो रियर प्रोफाइल से देखेगा तो बेहतरीन देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर राइडर के लिए फुटरेस्ट। और गियर बॉक्स का बात करें तो इसमें 5 गियर बॉक्स मिलता है आपको, और MT15 में आपको 6 मिल जाता है, एक इसका डाउन होता है, 4 अप हो जाता है। चैन देख लेते, सिंगल चैन कवर मिलने वाला है। इस बाइक का सीट हाइट की बात करें तो 795 mm का है, और MT15 में आप देखिएगा तो 810 mm का मिल जाता है सीट हाइट। और आप देख ले दोनों साइड में रखा है, तो ज़बरदस्त पैर जो है ज़मीन से पहुंचने वाला है, अटैच होगा पैर ज़्यादा। और इस बाइक में ऐसा नहीं है कि आपको झुक के बैठिए, आराम से बैठिए, मस्त चलाइए बाइक, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है USD फॉक्स सस्पेंशन आता है, और इसमें अच्छा खासा ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। और गाड़ी का हम फ्रंट से आपको लुक दिखा दें लाइट ऑन करके, तो लाइट ऑन करके कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़बरदस्त होने वाला है। गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे 14 लीटर का मिलने वाला है, और MT15 में बात करें तो वहाँ पर 10 लीटर मिलने वाला है। इस गाड़ी का माइलेज की बात करें तो 40 के कैंपेल मिल रहा है, और आप थोड़ा सा जो आपका राइडिंग है स्किल जो अच्छा है तो 40 का मिल ही जाएगा। और थोड़ा सा बाइक रेस करके चलाते हैं, कभी नॉर्मल लेंगे कभी ज़्यादा लेंगे, तो इस हिसाब से अगर स्पीड सॉरी माइलेज बताएं तो आपको यहाँ पे 35 का कैंपेयर मिलने वाला है। सर N250 का एग्जॉस्ट साउंड, इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है सुनिए और कमेंट करके बताइए। और इसका इंजन का आवाज कुछ ऐसा आने वाला है जब रेस कीजिएगा। फिर चलिए हम बात करते हैं बजाज पल्सर N250 का ऑन रोड प्राइस। तो इसका ऑन रोड प्राइस है 1,85,502 रुपया। अब बात करते हैं MT15, अगर MT15 आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 2,09,000 के आसपास है, उसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है डिलक्स मॉडल का। अब बात करते हैं जैसे कि इसको 250 cc का इंजन है, और इसको मात्र 1,85,000 में मिल रहा है, तो कितना अच्छा खासा आपको एक बेहतरीन बोल सकते हैं बाइक है हो जा रहा है इतना कम से कम प्राइस में। और MT15 लेना चाहते हैं उसका उतना प्राइस है, उससे अच्छा खासा इसमें आपको ब्रेक दिया गया है। ब्रेक की बात करें तो इसका डिस्क पैनल ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा है। सीट की बात करें पिलियन के लिए भी कम्फर्टेबल सीट है, राइडर के लिए भी कम्फर्टेबल सीट है, और उसका अलावा फ्रंट टायर भी उससे ज़्यादा इसका फ्रंट टायर मिल जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं अगर 1,85,000 में अच्छा खासा बाइक तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, वो आपके ऊपर है। अगर MT15 लेना चाहते तो वो भी आपको बेहतरीन बाइक, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बस उसका थोड़ा सा प्राइस इससे ज़्यादा है, इसलिए हम उसको चीज़ को बोल रहे थे। उसके अलावा अगर शोरूम के डिटेल्स बताएं तो मगध ऑटो एजेंसी है शोरूम का नाम, अगर ओपोजिट साइड में बात करें तो इंडियन वेल है, और कुमरार में इसका लोकेशन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर भी अपडेट कर देंगे। तो ये बाइक आप लेना चाहते हैं तो भर का कलेक्शन आया हुआ, जैसे कि यहाँ भी N2050 लगा हुआ है, वहाँ भी 250 है, यहाँ भी 250 है, और भी सारा बाइक जैसे कि 220 है। कोई भी बाइक लेना चाहते हैं बजाज की तरफ से तो यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ पे। मगध ऑटो एजेंसी शोरूम का नाम हुआ, कुमरार में है, पटना इसका लोकेशन हो गया। आप लेना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दें, वहाँ से एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। ओके, आज हम आपको कवर किए हैं बजाज का पल्सर N250 2024 में अपडेट होकर आई है, सारा टॉपिक पर बात किए हैं। और यहाँ तक आप वीडियो देख लें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे हमारे चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय।